नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल ज्ञानरी बाता। मैं सविता। आज इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धोलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। सही आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडू, ऑप्शन डी नीला। सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद ऐतिहासिक काल। सही आंसर है ऑप्शन डी आद ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं वी बी राव। सही आंसर है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। सही आंसर है ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। सही आंसर है ऑप्शन डी मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी पालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजी। सही आंसर है ऑप्शन डी कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार,
ऑप्शन बी विशाल अन्नागार धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल पुरातात्विक अवशेष ए लोथल कालीबंगन धोलावीरा बनवाली, जुता हुआ खेत गोदीवाड़ा पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। सही आंसर है बी लोथल गोदीवाड़ा कालीबंगन जुता हुआ खेत धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। सही आंसर है ऑप्शन ए शेर। क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी टीन एवं सीसा, ऑप्शन डी लोहा। सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सवाधान दिवसव संस्कार के प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कोटन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंडन। क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बनावली, ऑप्शन ई रोपड़। सही आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 59। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, कूट एक चांदी, दो टीन, तीन सोना। सही आंसर है चांदी टीन सोना। क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदुकश क्षेत्र के बदखशा से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुकश क्षेत्र के बदखशा से। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।